हालत खराब होने वाली है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। हैं? मैं तो रात में उतार के था। बाकी भाई सुबह हो चुकी है, लगभग 8 बजने वाले हैं। सामने देखो धूप आ चुकी है। अभी बस यहाँ से जल्दी जल्दी फटाफट तैयार होते हैं आधे घंटे में और निकलते हैं, क्योंकि आज हमें करना है तुंगनाथ जी का ट्रैक। चलो भैया भोलेनाथ के पास पहुँचते हैं। अभी यहाँ से चलते हैं एक बार तुंगनाथ के नीचे, यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करेंगे, कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद निकल। करते करते लोगों ने 9 बजा दिए। चलो भाई एक बार चलते हैं वहीं मंदिर के पास, वहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे, फिर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा हमारा लगभग 6 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर तुंगनाथ, वहाँ से चंद्रशिला जाएंगे तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा और, जो कि हम जाएंगे, आए हैं तो करके जाएंगे, वहाँ पहुँच के देखेंगे। हाँ ऐसा कर लेंगे, जो थक जाएगा उसे वहाँ रोक देंगे, मैं ऊपर चला जाऊँगा। तो यहाँ पे अपना खाना खजाना हो गया, बाकी अपनी पानी की बोतलें ले ली यहाँ से, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला। भाई सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे जूते मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोरी आपको बाद में बताएंगे। इतने एक्सपेंसिव है कि भाई इसको पहने इतने एक्सपेंसिव है कि इसमें तेरा घर जाएगा, घर जाएगा। चलो भाई चलो। सो अभी यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा और इस बार स्नो है, पिछली बार में क्या था कोई स्नो नहीं थी। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अभी तो वहां से यहीं तक आए बस। चलो 200 मीटर तो हो गया फाइनली। मंबोले का प्रसाद मिल गया। हाँ अच्छा, प्रसाद चाहिए तेरे को? पीछे बाबा बैठे थे लेके। हाँ वहाँ टिकट काउंटर आ गया, टिकट कटवाएंगे फिर चलेंगे, कटवाएंगे फिर अपना कटवाएंगे थोड़ा सा। तो ऐसी पर्ची कटेगी अपनी, तुम पे अगर स्टूडेंट आईडी है तो 100 रुपये लगेंगे और अगर नहीं है तो 200 रुपये लगेंगे। शुरुआत में जंगल में चलते हैं, बड़ा सही लगता है। I am a disco dancer. चल यार ये सेवन, ये यही होता है ट्रैक का, एक स्पीड में चलते हो। कैसे हो भैया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल एनर्जी। तो दूर चल रहा हूँ, करेंगे तुमको बता रहे ना, दूर चल रहा हूँ। अबे हमारे आगे वाले चल ले, क्या सही लग रहा ना ये भाई, बादलों के बीच में बिल्कुल। उम्दा परफॉर्मेंस, क्वालीफाई कर लो इस बार, आप भी क्वालीफाई कर लो। अच्छा नेट मार्केटिंग वाला ग्रुप आया हुआ नीचे एक। कैसा हालत लग रही है भाई? भाई 1.3 किलोमीटर हो गया। काली चोंच का कौआ है, चंद्रताल में जाओ तो पीली चोंच के कौए होते हैं। थक गई, हो गया एडवेंचर, बहुत बोलती थी मुझे नहीं ले जाते ऐसी जगह। हल्दीराम से डोडा बर्फी लाए थे, अब यूज हो रही है बढ़िया तरीके से। ट्रैक पर जो मीठा खाने का मजा है वो बस अलग गया, इंस्टेंट एनर्जी। भाई साहब खतरनाक बर्फ है, उतरते रहे ना हालत खराब होने वाली है, एकदम से स्टीप चढ़ रही है ना, देखो यहाँ से यूँ फिर ऐसे। हाँ यहाँ से बैठो, खिसकते हो जाओ नीचे। चलो भाई ये रास्ता कितना नैरो हो गया है, सारी बर्फ नीचे आ गई है। चलो 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 चलो, कहाँ से आए हम है ना, इस रास्ते से ऐसे और ऐसे होते होते वहाँ पर नीचे, देखो वहाँ है नीचे सड़क। अब करके भी दिखा दे, अब एक और करके भी दिखा दे, वॉक भी करके दिखा दे। ऐसा ट्रैक है भाई, पूरे में बर्फ ही बर्फ, हमें कहीं वहाँ कहीं जाना उधर। हाँ स्नो में ट्रैक तो हमने पहली बार ही किया, थोड़ा बहुत स्नो में तो किया। ये देख कैसे आ रहे हैं दोनों, रास्ता पूछ रही है उसे भैया और कितने दूर है। तो
तो भैया जितना विश्राम करना था कर लिया, अब जरा आगे बढ़ा जाए। चलो जवान चढ़ाई शुरू करो। इसमें संतरे हैं, दो तो रिवेश खाएगा, दो लगाएगा। मुझे जरूरत नहीं है, तुझे जरूरत है। देखा जरूरत नहीं है, मैं ये सुनना चाहता था। हाँ चलो, जो है जरूरत नहीं है। अब वो कुछ भी समझ ले, समझदार कुछ भी समझ सकता है इस बात में। बढ़िया लगे ना, अरे बादल उबल रहा है यहाँ पे, पानी उबल रहा है जैसे। कैमरे में तो आप नहीं रहे, पहले ही आए हो ये। अभी पूरा वहां तक दिख रहा था, दूर तक। लास्ट टाइम का यहां पे बॉल चला, लास्ट टाइम का मेरा पिक्चर है। एक तो उधर का मेरे शैम्पू का, और एक इसके ऊपर बैठ के यहां से दूर दूर तक विजिबल होगा ना उसका। हां पूरा दिखता, अब तो कुछ नहीं दिख रहा, बहुत गहरी खाई है। साला खांसने में भी ऐसा लग रहा है, गले में खराश सी हो गई हो। ये हमारे खतरों के खिलाड़ी भाई, बहुत स्लिपरी है वहां बीच में रेलिंग नहीं है ना वहां पे, उस जगह पे। ओ लो लो भैया, वही बोला था, बहुत खतरनाक है, स्लिप हो रहे हैं, गिरी गई वो। जाते टाइम तो बहुत गिरेंगे भाई, गारंटी की बात है। दिख गया मंदिर, दिख गया। ये देना वहाँ पे, कहीं कहीं पे ऐसे रोशनी आ रही है ना सूरज की, तो क्या सही लग रहा है, ऐसे चमक रहा है बिल्कुल। बाकी भाई मंदिर तो दिख गया ऐसे, इधर बस आ ही गया। धूप से आई ना, गरम गरम तो हो गया, क्यों धूप आती भाई। मंदिर सब दिखना बंद हो गया, सब दिखना बंद होगा भाई पीछे। ये स्नोमैन तो कहीं से लग रहा है, रचित ने बताया तो स्नोमैन क्या लग रहा है। ऑक्सीजन मास्क लगा, मास्क लगा रखा उसके। अरे ऑक्सीजन कमी है यहां पे, स्नोमैन को दिक्कत हो रही है भाई। यहां तक आना बहुत ही मुश्किल है भाई इस टाइम पे, कहीं कहीं तो बर्फ ऐसे है अंदर को धस जाते एकदम, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं आए ना अभी। इससे ऊपर जाने के लिए लोग बोल रहे हैं कोई मतलब ही नहीं बनता चंद्रशिला तक, क्योंकि वहां पे 3-4 फुट बर्फ है, कैसे जाओगे। दस जाएंगे और वहाँ कोई रास्ता भी नहीं है, तो पहाड़ों पे चढ़ के आना पड़ता है। लास्ट टाइम में गया था, देखते हैं क्या होता है। यहाँ तो पहुँच गए भाई, भोले बाबा के पास तो पहुँच गए भाई। अभी इस टाइम मंदिर बंद है, लास्ट टाइम तो वहाँ तक गए थे ना, आगे तक चले गए थे उस जगह पे, अभी सब पीछे तक बंद कर रखा है। बहुत लोग यहाँ से ऊपर से रेलिंग पर चढ़ के वहाँ अंदर गए, पर वो भाई सही नहीं है। जब बंद कर रखा है तो फिर भाई मैं तो वही गलती कहूँगा, इस चीज़ को सेफ भी नहीं है। बाकी यहाँ से अपना हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ लो अपना, है ना, और चलो। चले जी चलो। बोल शंकर भगवान की जय। तो ये रास्ता भाई जो चंद्रशिला की तरफ जाता है, बाकी बोला भी नहीं जा रहा है। और ऊपर तो भाई बहुत ही बुरा हाल है। एक अभी भैया गए थे मुझे करते भाई काफ़ी स्नो है यहाँ पर, मत जाओ। वो आधे बहुत लोग आधे में से भी आए, वो नीचे बता भी रहे थे। तो मैंने कि चलो फिर हम भी रिस्क नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे साथ सिमन जी भी हैं। पहले तो मेरा मन था कि नीचे इन्हें छोड़ के मैं चला जाऊँ, पर हमारा साथी भी यूँ करा कि नहीं चल रहे, क्योंकि 2:18 हो चुके हैं। चले वापस नहीं आ पाएंगे, वहीं रह जाएंगे क्या हम। चलो जी जैसी आपकी मर्जी, जब ग्रीन होगा तब आएंगे। हाँ तब तो बड़े आराम से चढ़ जाओगे, कुछ नहीं है। चलो चलो कोई नहीं, अगली बार के लिए रहा, कुछ तो छोड़ के जाना चाहिए। ऊपर तो बहुत ही बुआ है, मैं गया हूँ ना जब, मतलब ऐसे चढ़ना पड़ता भाई साहब, मतलब वहाँ कोई रास्ता नहीं है ऐसा, आगे जाके सीधा पहाड़ पे चढ़ना पड़ता। ये नई टेक्निक सिखाई है मैंने इन्हें नीचे उतरने की, ये देखना वहाँ स्लाइड में कैसे जा रहे लोग भाई, बिल्कुल ही कोहर धुंध हो रही है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अभी ऐसे चलेंगे हम भी बैठ के, पैर ऊपर पैर आगे उठा, आगे उठा, आगे अबे ऊपर, हाथ से करती रहा ये ऐसे। मैं जगह बनाती, हाँ ये नाली मैंने बनाई है भाई। वो चल तो भी ट्राई करेगा, आजा मजा आएगा, आजा। अबे कोई नहीं, आजा, यही तो एडवेंचर है। अबे गिरना नहीं था, बस ऐसे ही आजा 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 भाई साहब, तो मजा आ रहा है ना भाई साहब। ये तेज है ना, हाथ हाथ छिल जाते हैं ऐसा लगता है। हाथ से मत रोकना, पैर से रोकना।
हाँ पैर से रोकना अपनी बीवी के चक्कर मारती रचित ने भाई कमर भाई भाई अपनी बीवी की कमर तोड़ दी लोग ऐसे स्लाइड करते हुए उतरते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग अपने आप ही गिरते जा रहे हैं भाई पता नहीं क्या हिसाब बन रहा है देखना भाई ऐसे चलना पड़ रहा है नीचे खाई में जाएंगे सीधा हमारे पास तो डंडा भी नहीं है पकड़ने को प्रो है हम प्रो चलते चलो ऐसे ही पैर टेढ़ा कर और स्लाइड करता हुआ जा अबे पैर तो टेढ़ा कर हाँ ऐसे ही ऐसे चलता रहे चलता रहे बचपन में नहीं करते थे उजाला हो गया भाई उजाला हो गया चलो मजा आ रहा है टेढ़े से पैर करके चल रहा है यही टेक्निक है यहाँ पे स्लाइड करते हुए ऐसे हाँ सबसे ज्यादा स्लाइड बनाई भी मैंने पिछवाड़ा से बनाया घिसवा घिसवा के चलो भाई स्नो तो थोड़ी सी कम हुई यहाँ पर थोड़ी बहुत है पैच हल्का हल्का जहाँ पे वो नहीं था जहाँ धूप नहीं पड़ रही थी उस जगह पे इस जंगल को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है चलो फाइनली स्नो खत्म हुई है ना यार मेरे तो सोच रही थी स्नो खत्म क्यों नहीं हो रही है ये तो मेरे से ज्यादा पेंगुइन को लगा सुनोगे ना बेचारा मेरा भी हो गया ओए ले भाई चलो चलो इधर से चलो इधर से उधर से मेरा परिवार पूरा गिर रहा है मेरा परिवार गिर चुका है बर्फ के बाहर बर्फ भी यहाँ गिरना थोड़ा खतरनाक है अभी मैं गिर गया था भाई ऊपर कहीं नहीं गिरा सबको बचाते हुए आ रहा हूँ यहाँ के गिरा और ऐसा गिरा कि हाथ एकदम ऐसे मुड़ गया पूरा वजन साथ में सब गिर गए मेरे तो मैं भी गिरा बहुत भयंकर मुझे लग रहा इसमें अब दर्द हो रहा है भयंकर वाला अब सर पट्टी बांधनी पड़ेगी और नीचे देना पड़ेगा कहीं मूव वगैरह कुछ ऐसा मिल जाए तो बच जाए क्योंकि ऊपर वाली आइस में क्या दिख रहा है आइस है तो आदमी बहुत समझ के चल रहा है यहाँ क्या है यहाँ कोई भी किसी से बात बात करते रहे नजर हटी और यहाँ ऐसे ब्लैक आइस जमी हुई है वो तो पता नहीं चल रही मिट्टी के नीचे और गए तुम और पत्थर वैसे हैं बहुत तेज लगती हैं पता सबको ऊपर तक से बचा के यहाँ तक ले आया यहाँ आके खुद गिर गया ठीक है भाई यही एडवेंचर है यही होता है लाइफ में बस बहुत भयंकर दर्द हो रहा है हाथ में अभी मैंने वहाँ से आते टाइम ये स्क्वायर पर देखी मैं कह रहा मैं तो यार इधर मुँह करके खड़ी करके गया था उधर कैसे होगी फिर देखा साइड में भी ब्लैक कलर की स्क्वायर पर खड़ी है चलो भाई यहाँ अपना ट्रैक हो गया ख़त्म अब जरा मूव ले ली जाए कुछ खा लिया जाए और पट्टी ले ली जाए मिल जाए तो नहीं मिली तो फिर कुछ नहीं हो सकता और रीलर दोबारा से रीटेक लिए जा रहे हैं ये देखो कैमरामैन आ जाओ भाई आ जाओ और टाइट कर दे यहाँ तो कुछ नहीं मिला हम बस ये मफलर सा मिला इससे बांध लिया है बाकी हमारे पास विक्स रखी है अगर वहाँ पे तो यहाँ पे कोई दूर दूर तो मेडिकल ही नहीं है भाई 30-35 किलोमीटर वो भी नीचे उतर के है उसमें जाने में 1.5 घंटा लगेगा 30 किलोमीटर हाँ तो ना चल रहे हैं विक्स लगाएंगे और उसके ऊपर फिर ये कपड़ा बांध लेंगे सिकाई कर लेंगे बॉन फायर के वहाँ पर हाँ चले फिर ये देखिए हाथ की हालत दिवेश बाबू की ये हाथ अब आशिको जैसा हाथ हो गया मेरा आशिको जैसा अब ये मेरा नाम नहीं रखा ब्लेड से अब तो अब ये इस हाथ से ना तो धो पाएंगे ना कुछ ले पाएंगे ये देखो पैक चल रहे हैं पैक चल रहे हैं भाई ये माय गॉड गीली हो चुकी है इतने गीले हो रहे हैं हम नीचे से सारे के सारे ये जो बर्फ पे स्लाइड कर करके आए ना उसका नतीजा है मेरा बहुत कम है भाई कल ना सीट गंदी हो गई थी पीछे दवाई से तो साफ हो गई साफ कर दी तो भाई यहाँ पे भैया ने बताया कोई लाल बाम मिल जाता है चलो लाल बाम ही देख लेते हैं कौन है भाई ये कोई लाल बाम ये मिला है दर्द को कहना ट्राई करते हैं भाई कैसा है चलो
वो रात में दिख नहीं रहा था, ये हमारा कॉटेज सामने लास्ट वाला और ये वाला, अब सही लग रहा है, सही तो ये भी लग रहा है। गोभी के और पनीर के पराठे ट्रैक के बाद खाने में जो आनंद आएगा, हाय 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 हाय, जैसे दर्द होगा वैसे मैं बोल दूंगा ना ना, उसमें लिखा हुआ है दर्द को ना, जैसे दर्द होगा देखते ना, हाँ थोड़ा लंबा चल जाए, एक तो बर्फ में गिर गिर के चल चल के सब हाथ पैर सब सुन गए, सुन हो गए एकदम, यही सही कर सकती है मैं। आज देखना कैसे कम्बल में बैठे हुए हैं लोग। कल तो बस एक वो देवरिया ताल जाना है, पीछे जब हम अंदर घर की तरफ चलेंगे ना तब उसमें 1 किलोमीटर आगे, मतलब इधर के रास्ते में पड़ेगा, पीछे ही है रास्ते में 1 किलोमीटर कट रहेगा उसमें भाई। लेकिन यार प्रेडिक्शन यार एप्पल सही दे रहा था, मतलब हां बारिश आ गई हल्की हल्की, यार कैसे मिस स्टोरी है पूरे में भाई, बारिश हो रही है देखना भाई, 100% स्नो हो रही होगी, क्या बढ़िया धुआं धुआं हो रहा है। हम तो बिल्कुल यहीं बैठे हैं अपने रूम के बाहर ही, संतरे खा रहे हैं, ये बॉनफायर भी जब से चल रहा है जैसे तेज हो गई ये भी बन जाएगा।